यार जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना 10-12 लाख की गाड़ी से, मतलब वो फीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा लग्जरी और प्रीमियम फील हो चलाते हुए, आपको लगे कि हाँ भाई आप कुछ ड्राइव कर रहे हो। इतना लाइट स्टेयरिंग है ना इस गाड़ी का, मतलब आपको बिल्कुल भी हार्ड फील नहीं होगा। भाई सामने जो आप गाड़ी देख रहे हो ये i10 ग्रैंड का स्पोर्ट मॉडल है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। अब नई नई लुक के साथ आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा, जो कि पुरानी i10 ग्रैंड थी और उस और जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है उसमें ये जो इसमें DRLs दे दिए गए हैं ना यहाँ पे, और वहाँ पे फॉग लैंप होता था उसमें पुराने वाली में, और इसमें ये DRLs दे दिए गए हैं। अब चाबी की बात कर लेते हैं, चाबी आपको इसमें स्पोर्ट्स मॉडल में कुछ इस तरीके से मिलती है, वही 3 अपने नॉर्मल बटन लॉक अनलॉक और बूट वाले बटन मिलते हैं, और चाबी इसमें जो हुंडई का स्टाइल है वही वो स्टाइल में मिलती है। ये चाबी होगी हमारी। अब गाड़ी में अब जो सामने की फ्रंट लुक की बात करें, जो इसकी आपको जो चौड़ाई नज़र आ रही है वो लगभग 1680 के करीब है, और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा पास आके दिखाऊं तो इसमें जो है अपना सिल्वर फिनिशिंग का लोगो दे दिया गया है, जो कि पहले क्रोम में आता था वो नहीं है। ब्लैक कलर में आपको ये ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ पूरा का पूरा बम्पर में लुक दे दिया गया है, जो कि ग्रिल कह लो आप एक तरह से हो गई है, और नीचे यहाँ पे भी एक डायमंड कट से की तरह आपको फिनिशिंग मिलती है जो कि ग्लॉसी फिनिशिंग में होता है। ये अपनी DRLs होगी, पहले यहाँ पे प्रोजेक्टर होता था अब नहीं है। अब यहाँ पे एक एरोडायनामिक्स के लिए आप देख रहे होंगे, यहाँ एरोडायनामिक्स के लिए पॉट्स दे दिए गए हैं ताकि हवा यहाँ से पास हो जाए। लाइट की बात कर लेते हैं, इसमें लाइट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद पूरा का पूरा ब्लैक कलर के साथ मिलता है, और इसमें अपना यहाँ पे देखिए आप क्रोम की फिनिशिंग मिलती है पूरा का पूरा। सामने से लुक किस तरीके से निकल के आता है इसमें। अब साइड की बात कर लेते हैं, साइड में आपको गाड़ी में ये लुक मिलती है जो कि लगभग इसके व्हील बेस की बताऊं मैं, 2480 इसका व्हील बेस है और 3815 mm की इसकी टोटल लेंथ है। इस गाड़ी में आपको बॉडी कलर ही डोर हैंडल मिलते हैं, भाई ने ये बाहर से क्रोम लगाई हुई है इसमें, वो जो ORVM है वो आपको इंडिकेटर लैस मिलते हैं। टायर साइज जो है अपना वो इसमें अलॉय व्हील नहीं आता, फ्लैक्स व्हील के साथ आती है, ये फ्लैक्स व्हील है, और डिस्क ब्रेक इसमें आगे मिलेंगे आपको, और जो टायर साइज है वो मेरा 175 और R15 का टायर साइज मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। इसमें ना आपको एरोडायनामिक्स के लिए ना काफ़ी एक मतलब कर्व और क्रीजेस मिलेंगी इस गाड़ी के अंदर, थोड़े थोड़े से दिए हुए हैं हुंडई ने। बी पिलर हमारा पूरा ब्लैक्ड आउट मिलता है, इसमें कोई डोर वाइजर नहीं होते हैं, ये बाहर से लगाए हुए हैं कंपनी। इसमें छोटी सी आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है, और वो ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे आपको i10 ग्रैंड की G10 की बैचिंग मिल जाती है, और जो सबसे इसका मेन अट्रैक्टिव जो पार्ट है वो है इसका रेयर व्यू, जो कि आजकल मतलब पुराने ही रेयर व्यू से पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। नए लुक में आपको एक कनेक्टेड लाइट दे दी गई है, ये वैसे लाइट नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल है ये DRL, सिर्फ ये ही जलेंगे इसके, ये DRLs जलेंगे, और ये मेरा अपना ब्रेक लाइट होगी, और ये मेरा इंडिकेटर, और पीछे पार्किंग लैंप हो गया। इसमें दो पार्किंग हमें सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स में, इसमें यहाँ पे हुंडई की बैजिंग मिल जाती है, लोगों के ऊपर आपको कैमरा मिल जाएगा इसमें, और यहाँ पे नियोस की ब्रांडिंग मिल जाती है, और नीचे ये अपना क्लैडिंग होगी इसमें। एग्जॉस्ट का जो बैरल है वो डाउन करके नीचे की तरफ दिया हुआ है इसमें। अपना बम्पर में आपको दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और ऊपर हाई स्टोव माउंटेन टेल लैम्प मिल जाते हैं, और डिफॉगर मिल जाते हैं। वाइपर इसमें आपको स्पोर्ट्स मॉडल में नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि की से ही आप इसको बूट को ओपन कर सकते हो, तो मैंने इसके बटन को प्रेस करके रख लिया है, और लाइट अभी ब्लिंक हो गई है, तो ये बूट स्पेस हो गया इसका। हमें अंदर में 260 लीटर का हमें बूट स्पेस मिलता है, और जो स्पेयर व्हील का आपको बता दूं मैं, स्पेयर व्हील हमें जो है वो 14 साइज का ही R14 साइज का ही स्पेयर व्हील मिलता है हमें इस गाड़ी के अंदर। ये तो होगी हमारे एक्सटीरियर की बात इसमें, और यहाँ डिक्की में आपको एक प्रॉपर लैंप दे दिया गया है, डेडिकेटेड हुक दिए गए हैं, एक साइड में ही दिया गया है हुक आपको, ऊपर पार्सल ट्रे मिल जाती है इस गाड़ी में आपको। ये तो हो गया हमारा एक्सटीरियर का व्यू। अब चलो इंटीरियर, इसमें एक चीज़ रहेगी जो कि हमारा लेफ्ट साइड में जो होता है फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी में 37 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलेगा गाड़ी के अंदर। बाकी ये इस साइड से कुछ इस तरीके से दिखती है गाड़ी। में इंटीरियर में देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम अपना डोर से शुरुआत करते हैं। डोर में आपको कुछ इस तरीके से ट्रिमिंग मिल जाती है, पूरा का पूरा आपको हार्ड
प्लास्टिक मिलेगा गाड़ी के अंदर, आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग में आपको डोर मिलेगा, ये अपना ORVM को एडजस्ट करने के लिए होगा, ये फोल्ड करने के लिए होगा गाड़ी को, ये लॉक अनलॉक के लिए होगा, और ऑटो अप डाउन अपनी ड्राइवर साइड वाली विंडो है, बाकी नॉर्मल है। यहाँ वोटर होल्डर हो गया, इसमें आपको चार स्पीकर मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4, चार स्पीकर मिलते हैं गाड़ी के अंदर। ये अपना वही हुंडई का लोगो वाले कलर में ही आपको सिल्वर फिनिश में ही मिलता है इसमें हैंडल। अब सीट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो है हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर, वही वाइट कलर की आपको सीट मिलती है। अंदर थाई सपोर्ट इसमें गाड़ी में बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, और जो एडजस्टमेंट मिल जाती है आपको वो दोनों ही एडजस्टमेंट मिल जाती हैं, आगे पीछे और इंक्लाइंड वाली। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। लो जी, ये गाड़ी का कुछ इस तरीके से इंटीरियर हो गया हमारा। चाबी लगा लेते हैं एक बार। लो जी, ये अपना सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया हमारा, इसमें आपको दोनों के दोनों एनालॉग मीटर मिलते हैं, RPM मीटर और अपना स्पीडोमीटर। अभी विंडो इसकी खुली हुई है, इसलिए ये अपना हो गया। इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल माउंटेड आता है। लेफ्ट साइड में हमारे म्यूजिक कंट्रोल हो गए और राइट साइड में हमारे क्रूज कंट्रोल हो गए। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल दोनों दिया हुआ है, ये आपको डेडिकेटली बटन दिख रहा है इस गाड़ी में, ये क्रूज कंट्रोल के हो गया। और ऊपर MID में आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। इस गाड़ी में देखो वो चेंज हो रही है। ओके, ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है हमें गाड़ी के अंदर। और अगर हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, स्टीयरिंग में हमें क्या क्या मिलता है। ओके, ये हमें टिल्ट मिल रहा है और टेलीस्कोप नहीं है, खाली टिल्ट है और टेलीस्कोप नहीं है इसमें। चलो, ये हमारा स्टीयरिंग हो गया। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको राउंड सर्कल में AC वेंट मिल रहे हैं, जो कि अपना आपको देखा होगा मर्सिडीज में भी मिलता है कुछ इसी तरह का, वही आप 8 लाख के बजट में अगर आप मर्सिडीज का थोड़ा बहुत फीलिंग ले सकते हो, इसलिए हुंडई ने आपको ये ऑफर कर दी है। सेंटर कंसोल कुछ इस तरीके का मिलता है आपको, 7 इंच की इसमें जो है म्यूजिक वाली टच स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी आपको बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी इस गाड़ी के अंदर, ये आप देख रहे हो। और इधर जो अपना हो गया सेंटर AC वेंट हो गया, ये यहाँ पे आपको पूरा का टेक्सचर मिलेगा, ये वाइट कलर का हो गया और ये पीछे ब्लैक कलर का हो गया। ये अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है इसमें पूरा का। यहाँ पे आपको इसमें स्टोरेज दे दिया है रखने के लिए, ये अपना गियर नोब हो गई, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज दे दिया गया। इसमें आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ये अपना बोतल होल्डर या कुछ सामान या रख सकते हो यहाँ पे। अब इसमें बात कर लेते हैं ग्लो बॉक्स, यहाँ पे आपको ग्लोबॉक्स में इनफ स्पेस मिल जाता है। AC कोल्ड नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे भी आपको डेडिकेटली सामान रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग का सेटअप मिल जाता है, फुल सेफ्टी मिलती है इस गाड़ी में। दे रखा IRVM जो दे रखा है वो मैनुअल दे रखा है इस गाड़ी के अंदर, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे रूफ में अपना माइक हो गया इस गाड़ी में, ये देखो। अब सेकेंड रो की बात कर लेते हैं, मैंने जो फर्स्ट रो में है अपने अकॉर्डिंग सीट की सेटिंग कर ली है। मेरी हाइट जो है वो 6 फीट के करीब है, और इसमें यहाँ पे आपको कंट्रोल जो दिख रहे हैं वो हेड को, जो है मेन हेडलैम्प है उसकी हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए, ये अपना हील होल्ड कंट्रोल हो गया है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल्ड कंट्रोल दोनों फीचर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। अब पीछे की बात कर लेते हैं। सेकंड रो में आपको कुछ इस तरीके का स्पेस मिलता है, आपको पूरी की पूरी सिंगल सीट मिल जाती है। पीछे की तरफ AC वेंट दिए गए हैं यहाँ पे, और नीचे अपना चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है 12 वोल्ट का। और ये जो है अपना सेंटर में इसमें रूफ लैंप दे दिया गया है गाड़ी में। हमें कुछ इस तरीके से गाड़ी में आपको स्टोरेज मिलता है, और ये मैं ये कहता हूँ अंडर थाई स्पॉट आपको इसमें बेटर मिलेगा, काफ़ी बढ़िया मिलेगा। अब इंजन बे की बात कर लेते हैं। इसमें इंजन बे में आपको क्या मिलता है, इंजन आपको ओहो भाई, इसका ना जो बोनेट है वो काफ़ी हैवी बनाया हुआ है, सच में बहुत हैवी लग रहा है गाड़ी का देखने में। इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि आपको बढ़िया से पावर और बढ़िया से टॉर्क दे देता है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल होने के साथ आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो लगभग 21 का माइलेज क्लेम करते हैं, लेकिन मैंने इसका थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ है गाड़ी का, काफ़ी बढ़िया मेरे को रिस्पांस मिला गाड़ी का। मैं इसका थोड़ा सा 1 मिनट का अपना रिव्यू दे दूंगा इस गाड़ी के ड्राइव का, कैसा फील होता है आपको जब इस गाड़ी को ड्राइव करोगे।
तो आज हम ना गाड़ी में थोड़ा टेस्ट रिव्यू लेना चाहते हैं, जो i10 ग्रैंड है, आज उसकी ट्राई लेना चाहते हैं। तो कुछ फील आपको बताएंगे कि भी कैसा फील होता है, मतलब अरे वाह भाई, गाड़ी ना बिल्कुल लाइट फील होता है गाड़ी को चलाने में। कोई मतलब है नहीं कि भाई आप कुछ मतलब भारी सा साधन चला रहे हो कुछ, क्योंकि i10 ग्रैंड है, जो कि 2023 का फेसलिफ्ट अभी आया था, हाल ही में लॉन्च हुआ था, जिसमें कनेक्टेड DRL दिए हुए हैं, पर काफी ही मतलब स्मूथ फील हो रहा है इस गाड़ी को चलाते हुए। मतलब यार क्या बात करें, ओ भाई आगे दिखाओ भाई एक बार, ओ भाई साहब, भाई गाड़ी में ना जबरदस्त पावर है भाई। मां आपको इसका टॉर्क ना इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बाकी गाड़ी दमदार बना रखी है यार। यार जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना 10-12 लाख की गाड़ी से, मतलब वो फीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा लग्जरी और प्रीमियम फील हो चलाते हुए, आपको लगे कि हाँ भाई आप कुछ ड्राइव कर रहे हो। इतना लाइट स्टेयरिंग है ना इस गाड़ी का, मतलब आपको बिल्कुल भी हार्ड फील नहीं होगा करोगे। तो ये था i10 ग्रैंड का स्पोर्ट्स मॉडल का फुल रिव्यू। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।